गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप एक रेलवे के परीक्षार्थी हैं? यदि आप एक रेलवे के परीक्षार्थी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्यारे बच्चों, कहते हैं ना कि जब अंधेरा बहुत घना हो रहा हो तो यकीन मानिए सवेरा उतना ही जल्दी होने वाला है। तो निश्चित रूप से यदि आप रेलवे के परीक्षार्थी हैं तो बच्चों आपके जीवन में बहुत अंधकार आया। पिछले कई वर्षों में आपने देखा कि हर रेलवे के परीक्षार्थी ना उम्मीद के साए में जी रहे थे, उनके जीवन से उम्मीद हट रहा था। प्यारे बच्चों, वैकेंसी नहीं के बराबर रेलवे में थी, और यदि वैकेंसी आ भी रही थी तो पंचवर्षीय योजना के तहत आ रही थी, जो निश्चित ही तमाम पढ़ने वाले बच्चों के लिए बुरी खबर थी। इसके लिए हमारे लाखों छात्र छात्राएं एक बार नहीं कई बार आंदोलन किए। इसके लिए हमारे भारत देश के कई शिक्षक ने विद्यार्थियों का साथ दिया और आंदोलन में खड़ा रहा। और बच्चों, सभी के अथक प्रयास से हमारा ये भारत देश लोकतंत्र का देश है। हमारी और आपकी बात जरूर सुनी जाती है, और आज निश्चित ही जो न्यूज सामने आया है यह समाचार तमाम पढ़ने वाले बच्चों में खुशियों का संचार ला देगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप सभी को तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है, मायूसी तो बिल्कुल नहीं लाना है अपने जीवन में। बच्चों, सिर्फ उम्मीद और उम्मीद ही दिख रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप सचमुच एक ईमानदार छात्र हैं और अपने सपने को रेलवे के क्षेत्र में साकार करना चाहते हैं तो इससे बड़ी खुशखबरी आपको क्या मिल सकता है। प्यारे बच्चों, जहां 5 साल में एक बार वैकेंसी मिलती थी, अब आपको साल में 4 बार वैकेंसी देखने को मिलेगा। एक पढ़ने वाले बच्चों के लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब आप अपनी नींद से जग जाइए, अपने अंदर का जो जोश आपका कम पड़ गया था उस जोश को फिर से रिवाइव करिए, और कलम उठाइए और पूरी एनर्जी के साथ मेहनत करना शुरू कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, लगातार मेहनत करो, आपका 2025 एक सुनहरा वर्ष बीतने वाला है। यदि आप बेरोजगार हैं तो निश्चित ही मुझे उम्मीद है यदि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो 2025 में आपको रोजगार मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको रोजगार में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपके कोई सपने पूरे नहीं हो पा रहे। बच्चे, इस देश में, इस भौतिक जीवन में मैक्सिमम सपने पैसों से ही साकार होते हैं, और पैसा हर इंसान के जीवन में बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप सचमुच पढ़ के ही अपने जीवन में सफलता हासिल करने का मन बनाया है तो अब आप तनिक भी चिंता ना करिए, दिन रात पढ़िए बच्चों, मेहनत करिए। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द आपके सपने साकार हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैथ, रीजनिंग और जीके बहुत मन लगा के पढ़ो। यदि आप नए छात्र हैं तो आप सबसे पहले रेलवे के सारे सिलेबस को देखिए, वो मैथ में क्या पूछता है, वो जीके में क्या पूछता है, और वो रीजनिंग में क्या पूछता है, और उसके सारे सिलेबस को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ डालिए। और कॉन्सेप्ट से पढ़ने के बाद बच्चों लगातार सेट प्रैक्टिस करिए, डेली सेट प्रैक्टिस करो विद इन टाइम सेट करके बच्चों, और आप यकीनन यदि 6 महीने से साल भर यदि मेहनत कर लेंगे, मुझे विश्वास है एक रिजल्ट दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं छीन सकता है। प्यारे बच्चों, आइए क्या न्यूज़ आया है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्यारे बच्चों, ये हिंदुस्तान पेपर का न्यूज़ है, हिंदुस्तान में निकला हुआ न्यूज़ है, मैं उसको पढ़ के आप सभी को दिखाता हूँ। आप भी देख लीजिए कि क्या न्यूज़ आया है और कितना बेहतर न्यूज़ है आप सभी के लिए। प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे तोहफा क्या है उस चीज़ को देखो तो कहता है, रेलवे खाली पदों पर साल में कितनी बार बच्चों, 4 बार, साल में 4 बार भर्ती करेगा। नई दिल्ली, विशेष संवाददाता, भारतीय रेल में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं को अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती करेगा, यानी हर तिमाही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इस योजना के तहत वर्ष 2024 के अंत तक 61,529 रिक्त पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद नए साल में जनवरी दिसंबर के दौरान खाली हुए पदों पर नियुक्ति के लिए पुनः उक्त प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
इस नए नियम से हर साल रेलवे में खाली होने वाले पदों को समय पर भरा जा सकेगा और युवाओं को उम्र खत्म होने से पहले नौकरी मिल सकेगी। रेलवे बोर्ड के दस्तावेज के अनुसार जनवरी टू मार्च में 2024 में सहायक लोको पायलट के 18,799 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। मालूम हो कि रेलवे ने पहले 15 दिसंबर 2023 को 5696 पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया। तो बच्चों आपने देख ही लिया कि क्या आपके लिए, और यहाँ देखो एक और यहाँ न्यूज़ है, अग्निवीर को आरपीएफ भर्ती में 10% छूट। रेलवे बोर्ड ने विभाग में तिमाही भर्ती प्रक्रिया में 2 मार्च को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के 4660 रिक्त पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। इसमें 10% सीट 4 साल की नौकरी पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगी। अग्निवीरों को उम्र में 5 साल की छूट भी दी जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम पढ़ने वाले बच्चों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकता है। बच्चों मायूस नहीं होना है, अब आपके जीवन में सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद दिख रहा है, उम्मीद की रोशनी दिख रहा है। बस बच्चों कमी होगी अब आप में तो सिर्फ मेहनत की कमी होगी। मेहनत ईमानदारी से करिए और एक सफलता निश्चित रूप से हासिल करिए। थैंक यू बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों, इस खुशखबरी भरे न्यूज़ को आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हर पढ़ने वाले बच्चों तक इस न्यूज़ को ज़रूर पहुँचा दीजिए। थैंक यू सो मच।